सबसे पहले आपको सर्च पे जाना है और यहाँ आपको टाइप करना सर्विसेज। सर्विसेज पे आपको जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ आपको ढूंढना विंडोज अपडेट। देखिए विंडोज अपडेट मिल चुका है। इस पे आपको सिंपल सा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसको आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद अप्लाई और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको आपको स्टॉप कर देना है। इसी में आपको राइट क्लिक करना और देखिएगा आपको स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। स्टॉप पे आपको क्लिक कर देना, ये स्टॉप हो जाएगा। फिर से आपको विंडोज अपडेट पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद रिकवरी पे जाना है। रिकवरी पे जाने के बाद ये सब आपको टेक नो एक्शन पे आपको क्लिक कर देना। तीनों आपको टेक नो एक्शन पे आपको रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं रिसेट फेल काउंट आफ्टर, ये जो डेज लिखा हो 1 डेज, इसको आपको कर देना है। ये आप जितना ज़्यादा कर देंगे वो आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप कर दीजिए 1000 डे, ठीक है, आप कुछ भी कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना। ये आपका जितना ज़्यादा रहेगा तभी आपका मतलब फिर से जो फेल हो जाने के बाद फिर से अपडेट होने लगता है वो आपका नहीं होगा। उतना आपका डे कर दीजिएगा तो उतना दिन बाद होगा, ठीक है। तो इसको आपको इतना कर देना। स्टॉप करने के बाद आपको विंडो प्लस आर दबाकर आपको रन ओपन कर लेना है। और यहाँ आपको टाइप करना है रेज एडिट। आप स्पेलिंग देख लीजिए, REGEDIT। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए REGEDIT लिखा हुआ, सिंपल से। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो आप देख रहे हैं लोकल मशीन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद यहाँ आपको ढूंढना है पॉलिसी। आपको पॉलिसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट पे जाने के बाद यहाँ आपको विंडोज़ पे आपको जाना है। विंडोज़ पे जाने के बाद विंडोज़ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको न्यू की बनाना है। उसके बाद इसको रीनेम कर देना है। इसमें आपको लिखना है विंडोज़ अपडेट। उसको सिंपल से इंटरप्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से आपको इसी पे आपको रहना है, विंडोज़ अपडेट पे ही। और इस पे आपको फिर से राइट क्लिक करना है और आपको फिर से एक न्यू की आपको ले लेना है। न्यू की लेने के बाद इसको आपको रीनेम करना है। इसमें आपको नाम देना AU, कैपिटल लेटर में AU दे देना है। उसके बाद AU इंटरफेस कर देना है। उसके बाद AU का फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद साइड में आपको राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं डी वर्ड 32 बिट्स, ये आपको एक ले लेना है और इसका आपको रीनेम कर देना है। यहाँ आपको रीनेम करना है, नो ऑटो अपडेट्स आपको लिखना है। उसके बाद इसको एंटर करना है। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका वैल्यू आपको चेंज कर लेना, वैल्यू आपको 1 कर देना और ओके पे आपको क्लिक कर देना। बस आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब कुछ बेसिक से सेटिंग है जिसको आपको बंद करना है। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं सेटिंग, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं एडवांस ऑप्शन, ये एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका ऑन किया हुआ रहेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। ये सब आपका ऑन किया हुआ रहेगा, ये सब आप जैसे देख रहे हैं ऑफ किया हुआ है, ये सब आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप जो देख रहे हैं आपका जो वाईफाई जहाँ कनेक्ट किया हुआ रहता है उस पर आपको जाना है। उस पर आपको जाने के बाद यहाँ जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं सेट एज मीटर्ड कनेक्शन, ये आपका ऑफ किया हुआ रहेगा, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसको सिंपल से आपको क्लोज कर देना है। सर्च पे भी आप जाके क्लिक कर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल से इसको आपको ओपन कर लेना है। ध्यान दीजिएगा ये आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं ये ओपन हो चुका, सिंपल सा ये जो आप देख रहे हैं थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। देखिए मैं ऑलरेडी ऑफ किया हुआ हूँ, ये सब आपको ऑन किया हुआ मिलेगा, ये सारे को आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद फिर से आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ पे आपका देखिएगा कोई भी लाइव कोई ऐप्स चलता है वो सब आपको सिंपल सा राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे आपको टर्न लाइव ऑफ आपको कर देना है। जितने भी आपको वो वेदर वगैरह जो सब आपको देखेगा वो सब आपको टर्न ऑफ कर देना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पर क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।